हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आज की इस वीडियो में जो हमारा एक पुराना वीडियो आया था जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार पर चर्चा किया था, उसमें भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लोगों के डाउट आ रहे हैं। वीडियो के एंड में इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा है, इसका नेक्स्ट आपका हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, देखिए मैंने एक करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड कर दिया था आपके जुलाई मंथ में। छत्तीसगढ़ हाफ ईयरली करंट अफेयर जनवरी से लेकर के जून मंथ तक का एक हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया था बहुत पहले। जिस किसी ने भी नहीं लिया है तो उसका लिंक अभी भी आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पीडीएफ है यानी जून से लेकर के दिसंबर तक का छत्तीसगढ़ का नेक्स्ट हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ, ये आपको मिलेगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। जनवरी 2020 के फर्स्ट वीक में आपको नेक्स्ट हाफ ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थान पहला है प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व विकसित किया जा रहा है कोरिया जिले के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जिसका एरिया है आपका 1441 वर्ग किलोमीटर, 1441 वर्ग किलोमीटर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले का। समझिएगा, प्रदेश में अभी वर्तमान में आपके 3 टाइगर रिजर्व मौजूद है। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व है, दूसरा है अचानक मार अभ्यारण्य जो कि एक टाइगर रिजर्व है, और तीसरे नंबर पर है आपका उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, ठीक। तो ये 3 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। चौथा टाइगर रिजर्व विकसित किया जा रहा है कोरिया जिले के आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। आप सभी को मालूम है अभी इसी साल आपका एक बाघ जनगणना रिपोर्ट आया था जिसके अनुसार हमारे प्रदेश में बाघों की संख्या घट के 19 रह गई है। तो बाघों की संख्या बढ़ाए जाने के उद्देश्य से एक नया टाइगर रिजर्व विकसित किया जा रहा है। काफी पहले हमारे जो प्रदेश में भोरमदेव को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ कारणों से जो भोरमदेव टाइगर रिजर्व है यानी भोरमदेव जो अभ्यारण्य है वो टाइगर रिजर्व के पैमाने में खड़ा नहीं हो पाया। तो अब ये जो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसे टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप कर रही है हमारी राज्य सरकार। समझिएगा, जो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है या जो आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसका एरिया है आपका 1258 वर्ग किलोमीटर, अचानक मार जो अभ्यारण्य है उसका एरिया है आपका 553 वर्ग किलोमीटर, और उद्यंती और सीता नदी अभ्यारण्य, उद्यंती अभ्यारण्य का लगभग आपका 250 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है, सीता नदी अभ्यारण्य लगभग आपका 550 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। लेकिन ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है, लेकिन एक टाइगर रिजर्व बनाए जाने के लिए वहां पे बाघ को स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाता है, जिसके लिए और भी एरिया जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है या जो एक अभ्यारण्य है उससे बड़ा एरिया का भी आवश्यकता पड़ सकता है। तो देखिएगा, यहां पे जो आपका इंद्रावती जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसे जब टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया तो उस समय देखिए इसकी भले जो इसका जो कोर एरिया है वो है आपका 1258 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जो इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उसका एरिया है आपका 2799 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का एरिया कितना है, 1258 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इंद्रावती टाइगर रिजर्व का एरिया कितना है, 2799 वर्ग किलोमीटर। उसी प्रकार अचानक मार अभ्यारण्य का एरिया कितना है, 553 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अचानक मार टाइगर रिजर्व का एरिया कितना है, वो है आपका 914 वर्ग किलोमीटर। वैसे ही उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य इसका एरिया है उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व उसका एरिया है आपका 1842 वर्ग किलोमीटर। समझिएगा, टाइगर को जो रिजर्व विकसित किए जाते हैं वहां पे टाइगर के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाता है, जिसके लिए दो अभ्यारण्य को एक साथ संयुक्त रूप से भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है, या दो राज्यों के मध्य जो आपके अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है उन्हें संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अचानक मार का जो एरिया है ये आपका बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला और आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक, ये 3 शामिल है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, ठीक। जैसे आपका ये जो आपका इंद्रावती ये मौजूद है आपके बीजापुर जिले में, इसका एरिया देखेंगे तो 1258 वर्ग किलोमीटर जरूर है, लेकिन जो इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है तो इसके लिए जो आपका एरिया विकसित किया जा रहा है ये है विकसित किया गया है वो है आपका 2799 वर्ग किलोमीटर का। तो समझिएगा, ये जो अगर हम देखें तो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो है आपका इंद्रावती।
इंद्रावती सेकेंड नंबर पर है आपका उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य। अगर जो गुरु घासीदास आपका टाइगर रिजर्व बनता है तो वो हमारे प्रदेश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा और चौथे नंबर पर होगा आपका अचानक मार्ग। देखिए प्रदेश सरकार अभी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की है, यानी उसे अभी विकसित करेगा। अभी आगे आपको समझाऊंगा होता क्या है। अब जैसे बहुत लोग को इसमें डाउट आएगा कि ये आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं, आपका जो छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की बुक है ठीक संदर्भ ग्रंथ करके आता है, छत्तीसगढ़ समग्र की बात नहीं कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ संदर्भ ग्रंथ उसके पेज नंबर 217 में जाकर के देखेंगे तो आपको ये टाइगर रिजर्व के ये वाले आंकड़े मिल जाएंगे। आप लोग को सोर्स बताना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत से लोग डिमांड करते रहते हैं नीचे बताओ तो आप लोग को विश्वास नहीं होता, लेकिन ठीक है तो सोर्स देख लीजिएगा, संदर्भ ग्रंथ के पेज नंबर 217 में आपको टाइगर रिजर्व के आंकड़े मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए भारत में एनटीसीए के अंतर्गत, एनटीसीए मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत 18 राज्यों में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र मौजूद है। हमारे भारत में 18 राज्यों में 50 टाइगर रिजर्व मौजूद है। ठीक, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत। समझिएगा, अगर ये हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित हो जाता है तो ये हमारे देश का 51वां नंबर का आपका टाइगर रिजर्व होगा। प्रदेश में वर्तमान में 18 राज्यों में 50 टाइगर रिजर्व मौजूद है। यदि ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एक नया टाइगर रिजर्व बन जाता है, देखिए अभी इसे टाइगर रिजर्व के रूप में प्रदेश सरकार विकसित करेगी, फिर विकसित करने के बाद इसका जो रिपोर्ट है ये सौंपेगी आपका एनटीसीए को, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। जब ये आपका एनटीसीए इसे अप्रूव करेगा तब ये आपका टाइगर रिजर्व घोषित होगा। अभी टाइगर रिजर्व बना नहीं है, इसे बनाया जा रहा है, इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक, तो अगर ये विकसित हो जाता है तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत देश का यह 51वां टाइगर रिजर्व बनेगा। अभी वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत हमारे देश में आपके 18 राज्यों में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा, हाईटेक गुड़ फैक्ट्री ये आपका प्रस्तावित है आपका कबीरधाम जिले में। प्रदेश का पहला तथा देश का दूसरा हाईटेक गुड़ फैक्ट्री कहाँ पे आपका प्रस्तावित है, ये है आपके कबीरधाम जिले में, संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र। देखिए जो हमारा वृष्टि छाया प्रदेश है, जैसे कि आपका मुंगेली हो गया, कवर्धा हो गया, आपका राजनांदगांव का जो आपका ऊपरी वाला क्षेत्र हो गया, ये आपके वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे गन्ना की पैदावार ज़्यादा है। इसके लिए जो आपका संत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, इसने एक आपका प्रोजेक्ट बना करके आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सौंपा था और इस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इसे ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के सामने, दिल्ली के सामने इसे रखा था। ठीक, तो दिल्ली के द्वारा जो यानी ICAR के द्वारा इसे अप्रूव दे दिया गया है और बजट देने की बात कही गई है इसे विकसित किए जाने के लिए, यानी इसे बनाए जाने के लिए। ठीक, तो ये जो आपका संत कबीर कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र के द्वारा ही इसे डेवलप किया जाएगा, इस हाईटेक गुड़ फैक्ट्री को। ये जो हाईटेक गुड़ फैक्ट्री है ये हमारे प्रदेश का पहला तथा देश का दूसरा क्यों? क्योंकि देश का पहला हाईटेक गुड़ फैक्ट्री बोली या गन्ना अनुसंधान केंद्र ये मौजूद है आपके लखनऊ में। देश का पहला हाईटेक गुड़ फैक्ट्री मौजूद है, देश का दूसरा हाईटेक गुड़ फैक्ट्री अब खोला मतलब बनेगा हमारे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एथेनॉल प्लांट। देखिए एथेनॉल प्लांट ये हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि प्रदेश का जो एथेनॉल प्लांट है ये बनाया जाएगा या स्थापित किया जाएगा आपके बेमेतरा जिला और आपके कवर्धा जिले में। देखिए ये जो एथेनॉल प्लांट है इस एथेनॉल प्लांट में आपका धान से बायोफ्यूल बनाया जाएगा। समझिएगा, आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में धान खरीदी या धानों की खरीदी काफ़ी हाईलाइट में या बहुत ज़्यादा मात्रा में, जब से जो धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया तब से धान का जो खरीदी है वो सरप्लस हो रहा है। लास्ट ईयर जो धान की खरीदी है वो लगभग 80.5 लाख मेट्रिक टन के आसपास हुआ था, लेकिन जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो आपकी PDS प्रणाली के अंतर्गत जो प्रदेश को या जो राज्य को जो आपकी धान की आवश्यकता है वो है आपका 40
40 लाख मैट्रिक टन के आसपास का, यानी जो आपका सॉरी 42 लाख मैट्रिक टन के आसपास का धान का आवश्यकता है, तो जो बचा हुआ आपका 38 लाख मैट्रिक टन है वो आपका सरप्लस धान है, यानी उतना धान एक्स्ट्रा राज्य सरकार के पास बच जाता है। तो इस बचे हुए धान का उपयोग करके एथेनॉल प्लांट में उसका यूज करके उससे बायोफ्यूल बनाया जाएगा, समझ रहे? धान का उपयोग करके, सरप्लस धान का उपयोग करके, यानी जो एक्स्ट्रा धान बच गया है उस धान का उपयोग करके उस धान से आपका बायोफ्यूल का निर्माण किया जाएगा इस एथेनॉल प्लांट के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रदेश में लास्ट ईयर लगभग 80.5 लाख मैट्रिक टन के आसपास धान की जो खरीदी की गई थी, प्रदेश को जो आवश्यकता है धान की वो है लगभग 42 लाख मैट्रिक टन की, यानी जो बचा हुआ 38 लाख मैट्रिक टन है वो जाता जाएगा आपके इस एथेनॉल आपके प्लांट में, ठीक। नेक्स्ट है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, लास्ट जो हमारा वीडियो आया था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ और डाटा इसमें ऐड करने हैं। जो हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है ये आपका पंडरी रायपुर में इसे विकसित किया जाएगा, इसे स्थापित किया जाएगा, समझिएगा। ये देश का चौथा सबसे बड़ा आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा। देखिए, अभी हमारे देश में आपका मुंबई, कलकत्ता, सूरत, ये तीन जगहों पर अभी बहुत बड़े आपके जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ऑलरेडी मौजूद है। तो इस मुंबई, कलकत्ता और सूरत के बाद देश का चौथा आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क ये बनाया जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो याद रखिएगा, मुंबई, कलकत्ता और आपके सूरत के बाद देश का चौथा सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा आपके पंडरी रायपुर में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राम वनगमन स्थल। राम वनगमन स्थल के लिए आपके 51 स्थल चिन्हित किए गए, समझिएगा। ये जो है आप सभी को मालूम है कि जब से आपका वो जो अयोध्या मंदिर वाला जो केस, जैसे ही आपके अयोध्या मंदिर वाला जो आपका मामला था उसमें जब सुप्रीम कोर्ट की जब आपका उसका अंतिम निर्णय आया, उसके बाद ये जो आपका राम वनगमन पथ है, आप सभी को मालूम है कि ये जो पथ है ये आपके स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत आपका बौद्ध सर्किट, आपका रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, ये जो सर्किट है, यानी जिस जिस स्थान पर ये जो आपके जैसे भगवान राम हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, तो ये जिस जिस क्षेत्र में होकर के गुजरे या जिस जिस क्षेत्र से इनका संबंध रहा है उस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा था। लेकिन अयोध्या जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने के बाद ये जो रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट पर कार्य जो है वो काफी जोर शोर से चालू हो गया है। इस क्षेत्र को विकसित किए जाने पर हर राज्य की सरकार अब जोर दे रही है। तो इसी कड़ी में हमारे प्रदेश में भी इस रामायण का जो सर्किट के अंतर्गत, जो आपके स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ये राम वनगमन स्थल में चिन्हित पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, समझिएगा। तो ये जो आपके जो 51 स्थल चिन्हित किए गए हैं इसका आधार बनाया गया है दो पुस्तकों को इसका आधार बनाया गया है। पहला है आपकी मन्नू लाल यदु की पुस्तक है आपका दंडकारण्य रामायण, और डॉक्टर हेमू यदु की पुस्तक है छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। तो ये जो दो आपकी पुस्तकें हैं, इस दो पुस्तकों को आधार बनाया गया है, इन दो पुस्तकों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने जिन्होंने अपने जीवन काल में जो 14 वर्ष का उन्होंने वनवास काटा था, तो अपने जीवन काल के 14 वर्ष के वनवास में जो 10 वर्ष है उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ में बिताए थे। इन पुस्तकों के अनुसार जो हमारा प्रदेश है ये भगवान राम का ननिहाल भी है, साथ ही साथ अपने जो वनवास काल का जो 14 साल है, 14 में से 10 साल उन्होंने इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के क्षेत्र में उन्होंने बिताया था। तो इन दो पुस्तकों को आधार मान करके 51 स्थलों को चिन्हित किया गया है, और इसके प्रथम चरण में आपके टोटल 8 स्थलों को विकसित किया जा रहा है। बुक के आधार पर 51 स्थलों को चिन्हित किया गया है, लेकिन इसके प्रथम चरण में केवल 8 जो क्षेत्र है इसे राम वनगमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब वो 8 क्षेत्र कौन कौन से है देखिए, समझिएगा। देखिए, यहाँ पर है आपका कोरिया जिले में है आपका सीताबड़ी हरचौका। पहले जगह का नाम देख लीजिए, फिर उसके बाद बताऊंगा वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है रामायणकालीन। पहले कोरिया जिले में है आपका सीतामढ़ी हरचौका, सरगुजा जिले में है आपका रामगढ़, जांजगीर चापा में है शिवरी नारायण, बलौदा बाजार में है तुरतुरिया, रायपुर में है आपका चंदखुरी, राजीव है आपके गरियाबंद जिले में, धमतरी में है आपका सिहावा या सप्तऋषि, फिर उसके बाद बस्तर में है आपका जगदलपुर। देखिए,
जो आपका कोरिया जिला है, कोरिया जिले में है आपका सीतामढ़ी हर चौपा, सीतामढ़ी कोरिया जिले के इस सीतामढ़ी क्षेत्र में एक सीतामढ़ी झरना है, जहां पे मान्यता है कि ये जो सीतामढ़ी झरना है यहां पे सीता माता ने स्नान किया था। ये कहां मौजूद है? आपके कोरिया जिले में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सरगुजा जिला, सरगुजा जिला में मौजूद है आपका रामगढ़। रामगढ़ में आप सभी को मालूम है यहां पे आपका सीधा बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा यहां मौजूद है। इन गुफाओं पे सीता माता ने और भगवान जो आपके लक्ष्मण जी है दोनों ने यहां पे इनकी गुफाएं मौजूद है। तो ऐसी मान्यता है कि इन गुफाओं पे आपका लक्ष्मण बेंगरा, जहां पे लक्ष्मण जी ने कुछ समय आपका निवास किया था, और जो आपका सीता बेंगरा है वहां पे सीता माता ने कुछ समय के लिए निवास किया था, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट है आपका जांजगीर चांपा, जहां पे मौजूद है आपका शिवरी नारायण। इस शिवरी नारायण में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जो आपका सबरी के आश्रम में गए थे और भगवान राम ने सबरी का जूठा बेर खाया था, तो उसी तो वही शिवरी नारायण या सबरी का आश्रम मौजूद है शिवरी नारायण में। नेक्स्ट है बलौदा बाजार में है आपका तुरतुरिया, तुरतुरिया में स्थित है आपका वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, जहां पे लव और कुश, भगवान राम और माता सीता उनकी जो दो संतानें थी लव और कुश, उनका जन्म हुआ था इसी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में। नेक्स्ट है आपका रायपुर, रायपुर के चंदखुरी, रायपुर के चंदखुरी जहाँ पे आपके कौशल्या माता का मंदिर है। उसके बाद है आपका राजिम, गरियाबंद जिले में, धमतरी जिले का आपका सिहावा या सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि आश्रम रामायण महाकाव्य में इस सप्तऋषि का आपका जिक्र मिलता है। उसके बाद है आपका जगदलपुर, ठीक बस्तर जिले का जगदलपुर। तो इन आठ स्थलों को प्रथम चरण में आपका इस रामायण इसे या आपका राम वनगमन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए ये ऐसे टाइप का ये पाथ बनेगा, ऐसे टाइप का ये पाथ बनेगा, ठीक यहाँ से फिर ये आगे जाएगा। तो ये आपके प्रारंभिक या प्रथम चरण में कुल चिन्हित कितने किए गए हैं 51 स्थलों को, इन दो पुस्तकों के आधार पर 51 स्थलों को राम वन गमन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके प्रथम चरण में आपके 8 स्थलों को आपका विकसित किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा प्रदेश का आपका 14वां नगर निगम, आप सभी को मालूम है प्रदेश में वर्तमान में आपके 13 नगर निगम मौजूद है, प्रदेश का 14वां नगर निगम, ठीक 14th नंबर का आपका जो नगर निगम है ये बनाया जाएगा आपके रिसाली को। बनाए जाने का कार्य ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, 40 वार्डों के साथ भिलाई नगर निगम से अलग होकर के 40 वार्डों के साथ आपका रिसाली एक नया नगर निगम बनाया जाएगा, ठीक। दुर्ग जिला, इस रिसाली नगर निगम बनाए जाने के बाद या इस रिसाली के नगर निगम बनने के बाद दुर्ग जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा जिसके पास खुद के 4 नगर निगम होंगे। देखिए 4 नगर निगम कौन कौन से, दुर्ग, भिलाई, चरौदा और ये रिसाली, दुर्ग, भिलाई, चरौदा और रिसाली, ये 4 नगर निगम वाला प्रदेश का पहला जिला होगा हमारा दुर्ग जिला, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, अभी हमारे राज्य सरकार के कैबिनेट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो आपका रायगढ़ है, रायगढ़ में प्रदेश का एक नया आपका विश्वविद्यालय खोला जाएगा रायगढ़ जिले में, जिसका नाम रखा जाएगा स्वर्गीय नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के नाम से। प्रदेश में वर्तमान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 राजकीय विश्वविद्यालय और 13 निजी विश्वविद्यालय मौजूद है। अगर ये आपका स्वर्गीय नंद कुमार पटेल आपका विश्वविद्यालय बनता है तो ये हमारे प्रदेश का 90वें नंबर का आपका राजकीय विश्वविद्यालय बनेगा, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है उपेंद्र कश्यप, इनकी पुस्तकों को याद रखिएगा, पहले नंबर पर है मेरी दृष्टिकोण और दूसरे नंबर पर है अलकरहा, मेरी दृष्टिकोण और अलकरहा, मेरी दृष्टिकोण और अलकरहा, ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये दोनों पुस्तकें कविता संग्रह है, कविता है, किस विधा में है पूछा जाए तो कविता में है, ठीक। दोनों पुस्तकें आपकी कविता है, तो जो मेरा दृष्टिकोण है, मेरी दृष्टिकोण है, वो आपकी हिंदी में जो कविताओं का संग्रह है आपकी उपेंद्र कश्यप का, जबकि जो अलकरहा है वो ठेठ छत्तीसगढ़ी, ठेठ ग्रामीण छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में ये कविताओं का संग्रह है। कौन सा? अलकरहा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा अलकरहा का मतलब क्या होता है, मुझे पता है लेकिन आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे टाइप का जो वर्डिंग है पीएससी में पूछता है, पीएससी प्री में सी सेट के पेपर में पूछता है कि अलकरहा निम्नलिखित में से इसका मतलब क्या है, इस छत्तीसगढ़ी शब्द का मतलब क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा अलकरहा शब्द का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है आपका विविध, पहले नंबर पर है आकर्षी कश्यप, 18 वर्षीय आकर्षी कश्यप जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, हाल फिलहाल में उन्होंने एक मैच जीता, कौन सा मैच जीता ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आकर्षी कश्यप क्या खेलती है ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में ये पूछा जाएगा। आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है।
18 वर्षीय आकर्षि कश्यप जिन्होंने हाल फिलहाल में एक आपका बैडमिंटन मैच जीता है। तो देखिए इस ये जो आपके इस प्रतियोगिता जीतने के बाद इंडिया में जो इनकी रैंकिंग है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ गई है। अपने इस वर्ग कैटेगरी में वो इंडिया रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर है, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड रैंकिंग पर आपका जो आकर्षि कश्यप है वो 126वें स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो टीवी में देखे होंगे, ताज जो आपका चाय पत्ती ताज वाला, ताज के चाय पत्ती के एड में ये अक्सर आप इनको देखे होंगे घुंघरालू बाल वाले, वो है आपके तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। ये किस वाद्य यंत्र में पारंगत है तो याद रखिएगा तबला वादक है। इन्हें जो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि एक तबला वादक है। ठीक, देखिए डीलिट की मानद उपाधि क्या होती है, ये आपका एक तरीके की डॉक्टरेट की उपाधि होती है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर विषय में आप पीएचडी करते हैं, ठीक, तो वैसे ही आपका ये डीलिट की उपाधि होती है जो कि एक डॉक्टरेट की उपाधि के समतुल्य होती है। ठीक, तो ये जो आपका जो तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन है उन्हें इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के द्वारा 15वें दीक्षांत समारोह में डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बोध मछली। बोध मछली जो कि इंद्रावती नदी, बस्तर जिले के इंद्रावती नदी में ये बोध मछली पाई जाती है। लगभग 2.5 से 3 फीट लंबी ये मछली होती है जिसे कैटफिश कहा जाता है। ये एक मांसाहारी मछली है। देखिए ये जो मछली है ये एक तरीके से नदी के लिए काफी उपयोगी है। जो सड़े गले जो आपके मरे हुए जो जीव जंतु जो बह के नदी में आते हैं उसे खा करके एक तरीके से नदी को साफ सुथरा रखती है। ठीक, शुरुआती स्तर पर तो इसकी संख्या बहुत आयत थी, लेकिन आजकल इसका क्या है, शिकार काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है जिसके कारण इनकी संख्या काफी कम होते आ गई है। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव जो बोर्ड है उसके द्वारा इन जीवों को संरक्षित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा बोध मछली जो कि एक मांसाहारी मछली है जिसे कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पे पाई जाती है, ये बस्तर में आपके इंद्रावती नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट है समावेशी विकास। समावेशी विकास के सुधार कैटेगरी में, याद रखिएगा समावेशी विकास के सुधार कैटेगरी में हमारा छत्तीसगढ़ अभी इस बार प्रथम स्थान पर है। सुधार कैटेगरी में देखिए ये जो फर्स्ट पोजीशन पर या सर्वोत्तम स्थान पर जो हमारा छत्तीसगढ़ आया है उसे कई मायने हैं। जो किसानों की कर्ज माफी, आपका DMF यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल बोर्ड, जो आपका जिला खनिज संस्थान न्यास के प्रावधानों में जो संशोधन हुए, उसके नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना जो है, ठीक है, तो ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं के कारण जो प्रदेश है जो हमारा प्रदेश है वो ये समावेशी विकास जो इंडिया टुडे जो पत्रिका है, एक प्रतिष्ठित पत्रिका है इंडिया टुडे, उसके द्वारा जो अलग अलग 20 बड़े राज्यों की जो रैंकिंग जारी की गई तो उसमें समावेशी विकास के सुधार वाली श्रेणी में, समावेशी विकास सुधार वाली श्रेणी में हमारा छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजिशन पर आया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम चुनाव। आप सभी को मालूम है कि अभी जो हमारा चुनाव होने वाला है पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं आपका पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में पहले नंबर पर है आपका सरपंच चुनाव। सरपंच चुनाव जैसे आप सभी को मालूम है कि जो आपका महापौर चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होगा, यानी पार्षद ही महापौर चुनेंगे। तो वैसे ही चर्चा में था कि सरपंच चुनाव भी क्या अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा कैबिनेट जो है, हमारे प्रदेश सरकार का जो कैबिनेट मंत्रियों का जो दल है, जो आपका कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो सरपंच चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से होगा। प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से मतलब जनता डायरेक्ट वोट दे करके आपके सरपंच चुनेगी। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महापौर चुनाव के जैसे सरपंच चुनाव में भी पंच आपस में मिल करके सरपंच चुनेंगे, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होगा, लेकिन कैबिनेट के द्वारा ये साफ साफ बता दिया गया है कि जो आपका सरपंच चुनाव है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के लिए होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होगा। और साथ ही साथ जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है, यानी एक सरपंच बनने की जो शैक्षणिक योग्यता है ये होगी आपकी केवल साक्षर। पहले ये 5वीं और 8वीं पास हुआ करता था, लेकिन अब इसे केवल साक्षर कर दिया गया है। साक्षर के मायने क्या है? साक्षर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पेन पकड़ करके अपने नाम को लिख सकता है।
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पेन पकड़ करके अपने नाम को लिख सकता है उसे भारत सरकार के द्वारा साक्षर माना जाता है। साक्षर की यही परिभाषा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पेन पकड़ करके अपने नाम को लिख सकता है, अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए, पेन पकड़ना आना चाहिए, और वो अपने नाम को यदि वह लिख सकता है तो उस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा। तो ये जो आपके सरपंच चुनाव लड़ने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसे साक्षर, केवल साक्षर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जिला पंचायत। जिला पंचायत आप सभी को मालूम है हमारे प्रदेश में 27 जिले, तो 27 जिले है, तो जो जिला पंचायत की संख्या भी हमारे प्रदेश में है टोटल 27, ठीक। तो इस 27 जिला पंचायत में अध्यक्ष पद की जो सीटें हैं उसे आरक्षित कर दी गई है। समझिएगा, जो हमारा जो पंचायत है, पंचायत में महिलाओं को हर एक स्तर पर, यानी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत के हर एक स्तर पर महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित की गई है, ठीक। तो हर एक स्तर पर जब सीट आरक्षित की गई है तो इस अध्यक्ष पद के लिए जो सीट है उसमें भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। समझिएगा, ST, SC, OBC, जनरल, ठीक। ST कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 13 सीटें आरक्षित है। अभी मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कैटेगरी वाइज ये जो 27 जिले हैं, 27 जिले जो है, तो ये 27 जिले अलग अलग कैटेगरी वाइज किन किन कैटेगरी को अलॉट हुआ है, बाद में हम अभी महिलाओं का भी कोटा देखेंगे जो 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 13 सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति यानी ST वर्ग के लिए 3 सीटें आरक्षित है, OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीटें आरक्षित है, जनरल यानी सामान्य वर्ग के लिए 4 सीटें आरक्षित है। सभी को ऐड करेंगे तो टोटल 27 सीट होता है, यानी 27 जो आपका जिला पंचायत है उसके अध्यक्षों का सीट होता है। ST कैटेगरी के लिए 13, SC के लिए 3, OBC के लिए 7, जनरल कैटेगरी के लिए 4। अब समझिएगा, ये तो आपका कैटेगरी वाइज हो गया, लेकिन हर एक स्तर पर महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित किया गया है। तो समझिएगा, 13 सीट जो कि ST कैटेगरी के लिए है, तो इसका 50% रिजर्वेशन महिलाओं का है, तो 13 का 50% कितना होगा, 13 का आधा कितना होता है, 6.5, तो 6.5 को 7 माना जाएगा, यानी 7 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो 13 सीटें आरक्षित है, तो 13 में से 7 सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। वैसे ही SC कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो जाति है उसकी जो 3 सीट है, 3 सीट जो कि आरक्षित है, तो ये 3 का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब 3 का आधा कितना होगा, 1.5, यानी 1.5 को जो काउंट किया जाएगा 2, तो जो 2 सीटें हैं वो आपका अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक। OBC जो कि है 7 का आधा होगा 3.5, यानी 3.5, जिसे काउंट किया जाएगा 4, तो 50% यानी 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। वैसे ही जनरल कैटेगरी में है 4 का 50% होता है 2, यानी 2 सीटें सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो टोटल 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। समझिएगा, जिला पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 15 सीटें आरक्षित है, कैटेगरी वाइज ST, SC, OBC। ST कैटेगरी में जो 13 सीट है, 13 में से 7 सीटों पर आपके महिला अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि जो बचा हुआ जो 6 सीट है उसमें पुरुष के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक। तो वैसे ही आपके हर कैटेगरी वाइज ये है, तो इसे याद रखिएगा, जो आपका जिला पंचायत में जो अध्यक्ष पद के लिए टोटल महिलाओं के लिए 15 सीटें आरक्षित है। कहाँ कहाँ की सीटें हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, यहाँ बताने के लिए जगह नहीं है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से जगह की सीटें आरक्षित की गई है, वो जगह के नाम यदि आप याद करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कीजिए। नेक्स्ट है आपका निकाय चुनाव जो आपका नगरीय निकाय चुनाव है, प्रदेश में इस बार 151 नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं। नगरीय निकायों की संख्या नहीं बता रहा हूँ, कितने नगरीय निकाय में चुनाव हो रहे हैं वो है संख्या है आपका 151, ठीक। पहली बार जो है आपके नोटा का प्रयोग हो रहा है मत पत्रों में, इस बार जो चुनाव है वो मत पत्रों के माध्यम से हो रहे हैं, बैलेट पेपर के माध्यम से हो रहे हैं, तो पहली बार बैलेट पेपर में नोटा का ऑप्शन, यानी नन ऑफ दी अबव, नोटा का ऑप्शन पहली बार मत पत्रों में उपयोग किया जाएगा इस निकाय चुनाव में। याद रखिएगा, बैलेट पेपर में नोटा का भी विकल्प रखा गया है। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश में जो आपके 13 नगर निगम अभी वर्तमान में मौजूद है, उस 13 नगर निगम में से 10 नगर निगम, परिषद की संख्या 38, पंचायत की संख्या 103, यानी टोटल 151 नगरीय निकायों में अभी चुनाव होंगे। बाकी जो बचे हुए 3 नगरीय निकाय है कौन कौन से, आपका भिलाई, चरोदा और आपका बिरगांव, इसमें बाद में चुनाव होंगे, ठीक है। तो इतने जितने भी चीजें बताई सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ,
अब बात आता है अरपा पैरी की धार। देखिए अरपा पैरी की धार, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें आपके चार नदियों का उल्लेख है और सात जिलों को छत्तीसगढ़ महतारी के विभिन्न अंगों की संख्या दी गई है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रायगढ़ को मोर मुकुट बताया गया है, जिसमें बाद में मैंने करेक्शन करके आप लोगों को एक ठोक पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था, जिसमें मैंने आपको सरगुजा को मोर मुकुट बताया था। देखिए कई लोग कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन राजपत्र में प्रकाशित हुआ है कि आपका जो रायगढ़ है उसे मोर मुकुट की संज्ञा दी गई है। ठीक, ऑथेंटिक सोर्स किसको मानना है? रायगढ़ को ऑथेंटिक सोर्स मानना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित हो चुका है। लेकिन समझिएगा, आप यदि छत्तीसगढ़ महतारी का यदि आप प्रतिरूप देखेंगे तो एक छत्तीसगढ़ का नक्शा आता है, उसके सामने छत्तीसगढ़ महतारी का एक प्रतिरूप रहता है। यदि हम बात करें जो उसमें संज्ञा दी गई है आपके अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार की यदि हम संज्ञा की बात करें, तो जो मैंने आपको कहा था कि सरगुजा मोर मुकुट होता होगा, ठीक है, मैंने उसको करेक्ट करवाया था, तो समझिएगा अगर ये छत्तीसगढ़ महतारी है, मोर मुकुट यानी ऊपर दो भुजा, कमर और पैर, ये आपकी इनकी संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो जो मैंने कहा, जो करेक्शन करवाया था, उस करेक्शन में मैंने कहा था कि सरगुजा मोर मुकुट होगा, रायगढ़ और बिलासपुर छत्तीसगढ़ महतारी की बाह की संज्ञा दी गई है, जो कमर की संज्ञा दी गई है वो है आपका रायपुर को, करधन की संज्ञा दी गई है राजनांदगांव को, दुर्ग और बस्तर को पैर के पायल की संज्ञा दी गई है। लेकिन जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है, उस राजपत्र में क्या संज्ञा दिया गया है? रायगढ़ को मोर मुकुट बता दिया गया है और सरगुजा और बिलासपुर को छत्तीसगढ़ महतारी का बाह बताया गया। समझिएगा, आपको यहां बता रहा हूं मैं, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। बाकी जो आपका जो राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है, आपको उसी को ऑथेंटिक सोर्स मानना है। ठीक, देखिए अगर ये हम इसको छत्तीसगढ़ का ये जो हमारा नक्शा है, ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देख रहे हैं, यदि हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ महतारी का यदि हम इसमें देखें, समझिएगा यहाँ पर मौजूद है आपका सरगुजा, ठीक है, यहाँ पर मौजूद है आपका बिलासपुर, यहाँ पे मौजूद है आपका रायगढ़, यहाँ है आपका राजनांदगांव, यहाँ है रायपुर, दुर्ग और बस्तर। अगर छत्तीसगढ़ महतारी को हम यहाँ खड़ा करते हैं, देखिए जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझना, छत्तीसगढ़ महतारी को यदि हम यहाँ पे एक प्रतिरूप बना रहा हूँ, एक ऐसे ही बस एक अजम्पशन के लिए बना रहा हूँ, समझते चलिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी का यदि हम मैं यहाँ प्रतिरूप बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो मुकुट है ये सरगुजा होना चाहिए, दोनों हाथ की भुजा रायगढ़ और बिलासपुर दोनों हाथ की भुजा होनी चाहिए, ये जो राजनांदगांव है, ठीक है, समझ में आता है कि ये आपका करधन है, रायपुर यहाँ पे मौजूद है तो ये करधन है, ये दोनों नीचे मौजूद है तो पैर की पैजनियाँ हैं। ठीक, लेकिन क्या हुआ है, यदि आप पुराने बुक उठा करके देखेंगे जिसमें नरेंद्र देव वर्मा, अभी नहीं, पुराने जो छत्तीसगढ़ समग्र की जो बुक आती थी उसमें उनकी पूरी ये कविता दी गई है, ये जो कविता लिखा है नरेंद्र देव वर्मा ने लेकिन गाया है इसको लक्ष्मण मस्तूरी और आपका ममता चंद्राकर ने। तो जो आपके नरेंद्र देव वर्मा की जो एक्चुअल रचना है उसमें जो सरगुजा है उसको मोर मुकुट की संज्ञा दी गई है, लेकिन जो ममता चंद्राकर और लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने जो गाया है, देखिए लिखा तो उन्होंने है लेकिन गाया किसने? लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने और आपके ममता चंद्राकर जी ने, इन्हीं के गाने के बोल को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। वरना आप खुद ही देखिए उसमें क्या है, जो राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है उसमें क्या कहा गया है, रायगढ़ है मोर मुकुट, रायगढ़ मोर मुकुट है, बिलासपुर और सरगुजा है बहिया, यानी बिलासपुर और सरगुजा को बाह की संज्ञा दी गई है। रायगढ़ है मोर मुकुट, बिलासपुर और सरगुजा है बहिया, कहां से दिख रहा है? यहां पर, यानी छत्तीसगढ़ महतारी का फिर यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, रायगढ़ को मोर मुकुट कैसे हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में गाना गा दिया गया लक्ष्मण मस्तूरिया जी के द्वारा, लक्ष्मण मस्तूरिया जी का निधन हो चुका है, अगर राजकीय गीत बजता है या किसी भी शासकीय अवसर पर राजकीय गीत अगर बजाया जाएगा तो या तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी की आवाज में बजाया जाएगा या तो ममता चंद्राकर जी की आवाज में बजाया जाएगा। ठीक, इसीलिए जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया तो इनके जो गाने के बोल है उसे प्रकाशित किया गया, ये एक्चुअली में जो राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है वो नरेंद्र देव वर्मा की रचना से नहीं उठाया गया है। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स क्या लेना है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मोर मुकुट की संज्ञा किसे दी गई है, तो याद रखिएगा रायगढ़ को मोर मुकुट की संज्ञा दी गई है और इसे ही आपको आंसर लेना है। क्यों? क्योंकि राजपत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो राजपत्र प्रकाशित किया गया है उसमें इसे लिया गया है। ये चीज़ें जो मैंने बताई ये आपको जानकारी के लिए थी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये जो चीज़ें आप अगर नक्शा में देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आता है, छत्तीसगढ़ महतारी जिनके पीछे एक छत्तीसगढ़ का नक्शा बना हुआ है, मोर मुकुट उसमें सरगुजा दिख रहा है,
लेकिन फिर भी ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो आंसर क्या लेना है, मोर मुकुट लेना है आपके रायगढ़ को, और छत्तीसगढ़ महतारी का बाहा किसको लेना है, सरगुजा और आपके बिलासपुर को। क्या कर सकते हैं, इसको रट्टा ही मारना है, समझने वाला कोई चीज़ नहीं है। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।